जी सूरज जी सीडीपीओ हमारे भागीरथ जी बाबू जी भूतपूर्व हमारे और सभी का तो नाम लेना उचित है। सामने वीरा जी सभी का तहे दिल से स्वागत। और हमारे स्थल उच्च माध्यमिक विद्यालय बोरी और वैसे बच्चे सभी विराजमान समाज के वरिष्ठ बुद्धिजीवी मंच पर सम्मानित सदस्यों को नमस्कार और समक्ष मेरे युवा साथी सभी बुद्धिजीवियों को सादर नमस्कार। माता बहने जो पधारी उनको भी सभी को बहुत बहुत नमस्कार और सादर अभिनंदन स्वागत है। यहाँ आज बहुत ही अच्छा एक आयोजन किया जा रहा है तो मैं अपनी तरफ से भी निवेदन कर रहा हूँ सभी विभाग यहाँ पे पधारे और अपना इंट्रोडक्शन दे ताकि हम एक दूसरे को पहचान सकें कौन कहाँ पर है। मेरे को निकालो ना बराबर नहीं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी प्रतापगढ़ में रहता हूँ। राष्ट्रीय कंपनी है उसमें साइड सुपरवाइजर का काम करता हूँ और मेरा व्यवसाय एक पीके साड़ी सेंटर ये हाउसिंग बोर्ड में मेरी। हेलो हाँ सर पढ़ो मेरा नाम अमृतराम रिदास है। मैं उषा विहार कॉलोनी में निवास करता हूँ जिला उद्योग केंद्र से डबल एओ के पद से डाट हुई जाती थी। आज कुछ बात है उस बात पे मिलना आया। आज कुछ बात है उस बात पे मिलना आया। मेरा परिचय दे देता हूँ। मैं राजमल मेघवाल वोकेशनल टीचर इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दूंगा क्योंकि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत वोकेशनल टीचर वो सारे जो सर्विस लाइन में हैं उनको भी पता नहीं कि वोकेशनल टीचर क्या है। नई शिक्षा नीति ईश्वर जी ठेकेदार कहाँ है वो तो नहीं मेरा मकान बनाया था। मेरी सोच ये थी कि अपना आदमी अपना काम करे अपने भी अपना कोई काम दे वो अगर उसमें कोई अच्छा कार्य हो जाए तो बढ़िया है। मैं गांव साकरिया का रहने वाला हूँ शंभूलाल के गाँव मालीखेड़ा में मकान जिले के तुलसीराम जी मंच पर आए हैं और अपना परिचय दे तुलसीराम जी पधारे हुए नागरिक बंधु मैं गांव कन्याखेड़ी का रहने वाला हूँ। फिलहाल 2021 से नीमत रोड आनंद विहार कॉलोनी में रहता हूँ। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुणे में अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ और ये होली मिलन समारोह रखा है बहुत अच्छा है ताकि इसमें प्रतापगढ़ में जितने भी अपने समाज के रहने वाले इनसे मिलना हो रहा है। और मेरे एक और निवेदन है कि समाज की जाजम पे विराजमान समस्त समाज जन माताएं बहनें जितने भी हमारे समाज के नन्हे प्यारे बच्चे बच्चियां उपस्थित हैं सभी आज ये जो कार्यक्रम है ये ऐतिहासिक तो है ही है और हमारे समाज का पहला कार्यक्रम है जो इस तरह हम आयोजित करने जा रहे हैं। आज तक हमारे लिए कल्पना था ये तो इसके लिए साधुवाद हैं जितने भी हमारे समाज के वरिष्ठ समाजजन हैं जिनकी प्रेरणा से जिनके सहयोग से जिनकी सोच से हम सब वापस इस नए मिलन में सम्मिलित हो पाए हैं। रही बात शिक्षा की शिक्षा एक कचरा के पोस्ट पर कार्यरत हो ज्योग्राफी मेरा विषय रहा है और यहाँ मेरे को कम से कम 20-25 साल हो गए हैं और मैं थोड़ी सी भूमिका बनाना चाहता हूँ कि टेरेस के जो कार्यक्रम शुरू हुआ था उस समय भाई साहब मेरे घर पे पधारे थे दो चार जने और प्रबुद्ध जन मेरे पास पधारे तो
आदरणीय भाई साहब सुनील जी ने कहा कि मैं आपके घर पे आ रहा हूँ। मैंने कहा पता है स्वागत है आपका, मुझे ये पता नहीं था कि आप दीपक हैं। प्रतापगढ़ में एक छोटा सा एक संस्थान, एजुकेशन संस्थान में चलाता हूँ, शिवाय कोचिंग क्लासेस नाम से मेरा संस्थान चलता है, जहाँ पर पढ़ाई से संबंधित जो भी कोर्स या स्कूली बच्चों की शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी आती है उनकी तैयारियां मैं और मेरी टीम या मेरे जो भी टीचर्स अवेलेबल है वो हम पूरी तैयारी से उसको बच्चों को तैयार करवाते हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय आप सबको पता है कि नौकरियां बहुत कम हैं और बच्चों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नौकरियाँ सबको मिलना संभव तो नहीं है, लेकिन कोशिश ये हो कि आने वाले बच्चे हम उनको ऐसा तैयार करें कि वो पढ़ाई के साथ साथ में कम से कम कोई हुनर हाथ में साथ में लेके चलें। अगर हुनर हाथ में होगा तो अगर नौकरी नहीं भी हो तो कहीं भी कुछ करके अपना काम निकाल सकते हैं, अपना व्यवसाय खुद शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा तुलसीराम जी सर ने भी बहुत अच्छी बात कही थी। हेलो, बिल्कुल टाइल्स का काम है अपना, अच्छी रेट अच्छी क्वालिटी और बाहुबली में अपना यार अंबेडकर भवन के पास में रह रहा हूँ। मैं समाज सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा हुआ हूँ और सन 2005 में मैं गांव वाले और सबकी सहयोग से मैं उप सरपंच भी रहा हूँ और एक राजनीति दल से जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि उस दल का नाम लेना चाहता हूँ मैं यार। ठीक है, धन्यवाद। गांव ओलेश्वर है और प्रतापगढ़ में हाउसिंग बोर्ड में मकान है और पेशे से मैं वकील हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे संबंधित कोई काम पड़े। सार्वजनिक रूप से किसी के मदद के लिए आवश्यकता हो तो कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद सर। मीडिया में शांति सूर्यवंशी से, जो कि मैं एक यूट्यूब चैनल हैंडल करता हूं। बता रहे हैं हाँ की प्राप्ति हुई है। शुभकामनाओं के साथ में उस नन्ही बालिका के लिए ये खिलौना हमारे वरिष्ठ जनों के हाथों, ताली बजा करके उस बालिका के लिए शुभकामनाएं और माता पिता को परिवारजनों को भी शुभकामनाएं। शेंटी जी भी पधारे, आपके हाँ शेंटी जी के एक बालक और एक बालिका का जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है तो आपको भी बधाई और दोनों ही बालक बालिका दोनों के लिए ही शुभकामनाएं, पूरे परिवार को शुभकामनाएं। बालक बालिकाएं आपका, समाज का, सबका नाम रोशन करें। पुणे जी बैंक मैनेजर साहब बारावर्दा वाले जी। अच्छा, प्रभुलाल जी सर को नाना जी बनने पर बधाई और ये उस बालक बालिका के लिए बालिका गोपाल जी रेदास साहब आपको नाना जी बनने पर शुभकामनाएं और भाणेज बेटा मनस्वी के लिए ये खिलौना भेंट और पूरे परिवार को शुभकामनाएं मनस्वी के उज्जवल भविष्य की। नारायण जी तलाई मोहल्ला से हमारे बीच में हैं, आप नाना जी बने हैं, एक बालक और बालिका आपके पुत्री के घर में जन्म लिया है आप और श्रीमान घनश्याम जी और पूजा के तरीका के लिए भी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। नाना बने हैं तो उस नन्हे बालक के लिए ये खिलौना, बधाई हो सर, बधाई हो।